हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति राणा एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अपैरेटस प्रोटेक्शन। अपैरेटस प्रोटेक्शन, सो सबसे पहले अपैरेटस प्रोटेक्शन के पहले बता देती हूँ कि अभी तक हमने पढ़ा है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में एंड सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। सो अब अपैरेटस प्रोटेक्शन क्या है? अपैरेटस मतलब मेरे इक्विपमेंट जो मैं पावर सिस्टम में यूज़ करती हूँ, वो इक्विपमेंट क्या क्या हो सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, मोटर एंड बस बार जोन। सो सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मर। अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये क्या है? द ट्रांसफॉर्मर इज़ वन ऑफ द मेजर इक्विपमेंट इन पावर सिस्टम। ट्रांसफॉर्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है मेरा पावर सिस्टम में, क्योंकि वोल्टेज को मुझे जो स्टेप अप स्टेप डाउन मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर मेरा स्टैटिक डिवाइस है, इट हैज़ नो रोटेटिंग पार्ट। तो जिसमें रोटेटिंग पार्ट होते हैं वो होती है डायनेमिक डिवाइसेस, एंड द मशीन्स विच हैव नो स्टैटिक पार्ट तो उसको बोलते हैं रोटेटिंग पार्ट्स, उसको बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस। टोटली इनक्लोज्ड एंड यूजली ऑयल इमर्स्ड। ट्रांसफॉर्मर मेरा बिल्कुल क्लोज होता है, टोटली इनक्लोज्ड होता है, ठीक है, और किस में इमर्स्ड होता है? ऑयल में इमर्स्ड होता है। एंड देयरफॉर द फॉल्ट अकर्स ऑन दैम आर यूजुअली रेयर। जिसकी वजह से जो फॉल्ट अकरिंग होती है मेरे ट्रांसफॉर्मर्स में वो बहुत रेयर होती है, बट वो रेयर फॉल्ट भी अगर मेरे ट्रांसफॉर्मर में अकर हो जाए तो वो मेरे सिस्टम को अनबैलेंस कर देते हैं। But the effect of even a rare fault may vary serious for a power transformer. Hence, the protection of power transformer against possible fault is very important. तो अगर possible fault जो transformer में हो सकते हैं उनके against protection power system में बहुत ज़्यादा क्या है? Important है। The fault occurs on the transformer is mainly divided into two type. एक्सटर्नल फॉल्ट एंड इंटरनल फॉल्ट। अब ट्रांसफॉर्मर में दो टाइप के फॉल्ट हो सकते हैं, एक्सटर्नल फॉल्ट एंड इंटरनल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट इज क्लियर्ड बाय द रिले सिस्टम आउटसाइड द ट्रांसफॉर्मर। सो अभी हम रिले पढ़ेंगे। रिले क्या होती है कि रिले एक मेरी एक इक्विपमेंट होता है, एक मेरा प्रोटेक्टिव स्कीम होती है, मैं बोल सकती हूँ एक स्कीम होती है, एक जोन होता है जिसको मैं अपने हर इक्विपमेंट के साथ में बनाती हूँ, ठीक है। अब ये जोन मेरा कैसे काम करता है, मेरी प्रोटेक्टिव रिले कैसे काम करती है, कि जैसे ही मेरे सिस्टम में कोई भी फॉल्ट अकर होता है, ठीक है, तो जो ये रिलेज यूज़ होती हैं ये दो सिस्टम्स के बीच में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो जब भी फॉल्ट अकर होता है तो जो डिफरेंस होता है दोनों करंट्स का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा था बट फॉल्ट करंट की वजह से फॉल्ट करंट की वैल्यू रेटेड करंट की वैल्यू से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब जो डिफरेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जब वो डिफरेंस ऑफ करंट इस प्रोटेक्टिव रिले के थ्रू फ्लो करेगा तो ये रिले ट्रिप हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, और ये सर्किट ब्रेकर्स को इंडिकेशन दे देंगे कि हाँ फॉल्ट अकर हुआ है, और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएंगे और फॉल्टी और हेल्दी पार्ट को आइसोलेट कर देंगे। सो एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं रिले। सो एक्सटर्नल फॉल्ट इज क्लियर्ड बाय द रिले सिस्टम आउटसाइड द ट्रांसफॉर्मर विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डेंजर टू द ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू दीज फॉल्ट्स। अभी रिले कैसे काम करती हैं कि जब भी एक्सटर्नल फॉल्ट अकर होता है ट्रांसफॉर्मर में तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उस रिले को, उस फॉल्ट को क्लियर कर देती हैं, ठीक है। द प्रोटेक्शन फॉर इंटरनल फॉल्ट इन सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय यूजिंग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम। अब अगर फॉल्ट इंटरनल में हो, एक्सटर्नल फॉल्ट को प्रोटेक्टिव रिले काम कर देंगी, बट अगर जो फॉल्ट है वो मेरा इंटरनल हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम क्या है कि आर मेनली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फेस टू फेस फॉल्ट एंड फेस टू अर्थ फॉल्ट। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम्स हम यूज़ करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के अगेन, जो कि मेरे हैं फेस टू फेस फॉल्ट या फिर फेस टू अर्थ फॉल्ट। द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज्ड फॉर पावर ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन मर्ज प्राइज सर्क्यूलेटिंग करंट प्रिंसिपल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले, जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है वो मेरी किस प्रिंसिपल पे काम करती है। सो इट वर्क्स ऑन मर्ज प्राइज सर्क्यूलेटिंग करंट प्रिंसिपल। सच टाइप ऑफ प्रोटेक्शंस आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ रेटिंग एक्सेडिंग 2 MVA। ये जो स्कीम है प्रोटेक्शन की, ये हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के लिए जिनकी रेटिंग 2 MVA से, 2 MVA से ज़्यादा होती है।
सो ये मेरा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर पावर सिस्टम है। इसमें क्या है कि मेरे दो डेल्टा, दो ट्रांसफार्मर मैंने यूज़ किए हैं, करंट ट्रांसफार्मर, एक मेरा स्टार में कनेक्टेड है, एक मेरा डेल्टा में कनेक्टेड है। उनके साथ में पावर ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर में क्या है कि जो स्टार कनेक्टेड के साथ में पावर ट्रांसफार्मर है वो मेरा डेल्टा में कनेक्टेड है, और जो डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है उसके साथ में जो मेरा पावर ट्रांसफार्मर मेरा स्टार में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या है कि स्टार कनेक्टेड की सेकेंडरी को मैंने डेल्टा कनेक्टेड की सेकेंडरी के साथ में ज्वाइन किया हुआ है, और उसके बीच में मैंने रीस्ट्रेनिंग कॉइल्स लगाई हुई हैं। ठीक है, आप आई होप आप लोगों को फिगर में दिख रहा है कि स्टार कनेक्टेड की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है और डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर की भी जो करंट, जो दोनों करंट ट्रांसफार्मर हैं, इन दोनों की जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, इन दोनों को मैंने आपस में ज्वाइन किया हुआ है, और उसके साथ में मैंने रीस्ट्रेनिंग कॉइल लगाई हुई है जिसके साथ में मेरी ऑपरेटिंग कॉइल्स लगी हुई हैं। तो अभी कैसे काम करता है? सबसे पहले कनेक्शन, इसका कनेक्शन क्या है? द पावर ट्रांसफार्मर इज स्टार कनेक्टेड ऑन वन साइड एंड डेल्टा कनेक्टेड ऑन अदर साइड। पावर ट्रांसफार्मर है वो एक साइड में स्टार कनेक्टेड था और एक साइड में डेल्टा कनेक्टेड था। अब दो करंट ट्रांसफार्मर से द करंट ट्रांसफार्मर ऑन द स्टार कनेक्टेड साइड आर डेल्टा कनेक्टेड एंड दोज ऑन द डेल्टा कनेक्टेड साइड आर स्टार कनेक्टेड। सो मैं ये बता देती हूँ कि पावर ट्रांसफार्मर है, एक मेरा डेल्टा में कनेक्ट है, एक मेरा स्टार में कनेक्ट है। अब डेल्टा कनेक्टेड साइड के साथ में जो मेरा करंट ट्रांसफार्मर है वो मेरा स्टार में कनेक्टेड है, लेकिन स्टार कनेक्टेड साइड के साथ में जो मेरा करंट ट्रांसफार्मर है वो मेरा डेल्टा में कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, द न्यूट्रल ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन एंड पावर ट्रांसफार्मर कनेक्शंस आर ग्राउंडेड। अब जो न्यूट्रल हैं करंट ट्रांसफार्मर्स के, वो स्टार कनेक्शन में है और पावर ट्रांसफार्मर ग्राउंडेड किया हुआ है। द रीस्ट्रेनिंग कॉइल इज कनेक्टेड बिटवीन द सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर्स। मैंने आपको बताया कि जो मेरी रीस्ट्रेनिंग कॉइल है वो मेरे दोनों करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरीज के साथ में के बीच में कनेक्टेड है। रीस्ट्रेनिंग कॉइल कंट्रोल्स द सेंसिटिव एक्टिविटी अकर्स ऑन द सिस्टम। अब रीस्ट्रेनिंग कॉइल का काम क्या है कि वो सेंसिटिविटी को अकर सेंस करेगी, ठीक है, कि जो सिस्टम है वो प्रॉपर वे में नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है उसको सेंस करेगी ट्रांसफार्मर में। द ऑपरेटिंग कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टैपिंग पॉइंट ऑफ द रीस्ट्रेनिंग कॉइल एंड द स्टार पॉइंट ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग। अब जो मेरी ऑपरेटिंग कॉइल्स हैं इनको मैंने रीस्ट्रेनिंग कॉइल्स के साथ में लगाया है। रीस्ट्रेनिंग कॉइल क्या करती हैं कि वो सेंस करती हैं कि जो मेरा करंट है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल पाथ पे फ्लो कर रहा है। अगर उसकी सेंसिटिविटी चेंज होती है, कोई भी उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसको कौन सेंस करेगी? मेरी ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है, जिसको कि मैंने टैप करके यूज़ किया गया है अपनी रीस्ट्रेनिंग कॉइल के साथ में एंड द स्टार पॉइंट ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर्स सेकेंडरी वाइंडिंग। अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम काम कैसे करता है? नॉर्मली द ऑपरेटिंग कॉइल कैरीज नो करंट एज द करंट आर बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम का काम क्या है? जो मेरी प्रोटेक्टिंग रिलेज है, प्रोटेक्टिंग कॉइल्स मैंने यूज़ की हैं, ठीक है, ये मेरी क्या है, ऑपरेटिंग कॉइल्स हैं। जो यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग कॉइल्स का नाम दिया है यहाँ पे, वही मेरी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिलेज है। अभी कैसे काम करती है कि नॉर्मल कंडीशन में जब मेरा ट्रांसफार्मर बैलेंस कंडीशन में है और उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है, तो मेरी ऑपरेटिंग कॉइल्स कैरीज नो करंट। When the internal fault occurs in the power transformer, so यहाँ पे power transformer की हम protection कर रहे हैं, so power transformer का connection मैंने साथ में किया हुआ है मेरे दो current transformer से। उसको connection कहाँ से मिल रहे हैं? मेरे दो current transformer से। अब current transformer क्या है कि when the internal fault occurs in the power transformer winding, the balance is distributed and the operating coil of the differential relay carry current corresponding to the difference of the current among the two sides of the transformer. Thus, the relay trip the main circuit breaker on both sides of the power transformer. अब ये कैसे काम करता है? यहाँ पे मेरे दो करंट ट्रांसफार्मर्स हैं, ठीक है, और ये है मेरे पावर ट्रांसफार्मर। अब मुझे प्रोटेक्शन किसकी करनी है? अपने इस इक्विपमेंट की, पावर ट्रांसफार्मर की। पावर ट्रांसफार्मर के बोथ साइड्स में मैंने
करंट ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ किया है, और करंट ट्रांसफॉर्मर्स जो मेरे हैं ये देखिए, यहाँ पे करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, जो ये तीनों सेकेंडरी वाइंडिंग से ये मेरी कनेक्टेड है यहाँ पे इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से, और इसके साथ में मैंने यहाँ पे यूज़ की है रीस्ट्रेनिंग कॉइल। अब रीस्ट्रेनिंग कॉइल्स के साथ में क्या यूज़ की है, ऑपरेटिंग कॉइल। अभी कैसे काम करेगा कि मैं यहाँ पे पावर सिस्टम को यहाँ से सप्लाई मिल रही है एंड यहाँ से सप्लाई मिल रही है, अभी अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। यहाँ से मेरा आई वन आ रहा है, यहाँ पे मेरा आई टू है, ठीक है। अब यहाँ पे आई वन करंट फ्लो करके इसके थ्रू आई टू में जा रहा है, तो करंट क्या है, सेम है। इसके थ्रू जब करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट आएगा, तो इनके थ्रू जब थ्री फेजेस, मैंने तीनों के तीनों फेजेस के कोरस्पॉन्डिंग में रीस्ट्रेनिंग कॉइल्स लगाई है, तो हर फेज़ के रिगार्डिंग जब मेरा करंट फ्लो करेगा और यहाँ पर जाएगा, तो दोनों में कंडीशन में फॉल्ट, मतलब करंट क्या है, सेम है। बट अगर कोई इंटरनल फॉल्ट अकर होता है, ठीक है, इंटरनल फॉल्ट अकर होगा तो करंट इस वाले, जैसे इस वाले करंट ट्रांसफॉर्मर में इंटरनल फॉल्ट अकर हुआ, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, एकदम से हाई हो जाएगी। अभी तक वो फॉल्ट करंट मेरा इस सिस्टम में नहीं गया है, ठीक है। अब जब वो फॉल्ट करंट इन फेजेस के रिगार्डिंग इन रीस्ट्रेनिंग कॉइल से पास होगा, तो इन ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल क्या करती है कि करंट की वैल्यू को सेंस करती हैं, तो वो सेंस करेंगी कि ये करंट मेरे रेटेड करंट से ज़्यादा है, वो एक डिफरेंस मेजर करेंगी नॉर्मल करंट में और फॉल्ट करंट में। अब जब रीस्ट्रेनिंग कॉइल्स फॉल्ट को सेंस करती हैं, तो उसके साथ मैंने यहाँ पे क्या यूज़ की है, ऑपरेटिंग कॉइल। अब ऑपरेटिंग कॉइल कैसे काम करेगी कि जब उसको पता चलेगा कि डिफरेंट मेरी रीस्ट्रेनिंग कॉइल ने फॉल्ट को सेंस किया है, करंट की वैल्यू चेंज हुई है, मतलब करंट की वैल्यू यहाँ पे आई वन की वैल्यू हाई हो जाएगी आई टू से। पहले आई वन माइनस आई टू मेरा क्या था नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आई वन माइनस आई टू की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी। लेकिन जब फॉल्ट अकर हुआ तो आई वन की वैल्यू कुछ भी हुआ चेंज हो जाएगी, ठीक है, और आई टू की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पे मेरा कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो जब वो इस डिफरेंस को मेजर करेगी, ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल जब उस डिफरेंस को सेंस करेंगी, तो करंट ऑपरेटिंग कॉइल को इंडिकेशन मिलेगी कि फॉल्ट अकर हुआ है सिस्टम में, तो वो प्रोटेक्टिव रिलेज को ट्रिप करा देगा, और जैसे ही प्रोटेक्टिव रिलेज मेरी ट्रिप करेंगी, तो मेरे सर्किट ब्रेकर्स ओपन हो जाएंगे, और सर्किट ब्रेकर्स मेरे क्या काम करेंगे कि मेरे इस वाले पार्ट को मेरे हेल्दी पार्ट से अलग कर देंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे फॉल्ट अकर होगा, तो फॉल्ट अकर होने के बाद जब करंट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू वो करंट फ्लो करेगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू जब सेकेंडरी वाइंडिंग में वो करंट फ्लो होके जाएगा, तो उसकी ईएमएफ क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। हाई होने की वजह से फॉल्ट करंट जब यहाँ से फ्लो करके इनके थ्रू जाएगा इस डेल्टा कनेक्टेड करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है, तो ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल्स उस फॉल्ट को सेंस करेंगी, जिसकी वजह से मेरी ऑपरेटिंग कॉइल्स ऑपरेट करेंगी, प्रोटेक्टिव रिलेज मेरे ट्रिप कर जाएंगी, और जो मेरा सर्किट ब्रेकर है वो मेरे फॉल्टी सेक्शन को मेरे हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट कर देंगी। सो मैं अपने पावर ट्रांसफॉर्मर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसकी वर्किंग एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। नॉर्मली द ऑपरेटिंग कॉइल कैरीज नो करंट एज द करंट आर बैलेंस्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द पावर ट्रांसफॉर्मर। ऑपरेटिंग कॉइल नॉर्मल कंडीशन में कोई भी करंट सेंस नहीं करेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बोथ साइड में जो करंट ट्रांसफॉर्मर्स है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो बैलेंस कंडीशन में है। व्हेन द इंटरनल फॉल्ट अकर, जब इंटरनल फॉल्ट अकर होगा पार्ट ट्रांसफर में, तो वाइंडिंग्स द बैलेंस्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ द डिफरेंशियल रिले कैरी करंट कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ द करंट अमंग द टू साइड्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सो डिफरेंशियल रिले डिफरेंशिएट मेजर करती है नॉर्मल कंडीशन में और एबनॉर्मल कंडीशन में। मैंने बताया नॉर्मल कंडीशन में जो करंट की वैल्यू होगी वो जीरो होगी दोनों ट्रांसफॉर्मर्स के बीच में, बट एबनॉर्मल कंडीशन में फॉल्ट करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी रेटेड वैल्यू से। तो जब वो उस डिफरेंस को मेजर करती है, तो वो सेंस कर लेती है कि हाँ सिस्टम में फॉल्ट अकर हुआ है। दस द रिले ट्रिप द मेन सर्किट ब्रेकर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पावर ट्रांसफॉर्मर। तो जिसकी वजह से जो मेरी
ट्रिप कॉइल है वो रिले कॉइल है वो मेरी ट्रिप कर जाएगी और जो मेरा मेन सर्किट है उसमें सर्किट ब्रेकर्स की हेल्प से वो हेल्दी पार्ट को फॉल्टी पार्ट से आइसोलेट कर देगा। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अ जनरेटर। सेकेंड डिवाइस जो मेरे पास में है अपैरेटस जो उसकी मुझे प्रोटेक्ट जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है तो वो है मेरा जनरेटर। अब जनरेटर में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैसे काम करती है कि जनरेटर में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को मैं यूज़ करती हूँ टू प्रोटेक्ट द स्टेटर वाइंडिंग्स ऑफ द जनरेटर अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट एंड फेस टू फेस फॉल्ट। स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट्स बहुत डेंजरस होते हैं एंड इट कॉज डैमेज टू द जनरेटर। For the protection of stator winding of the generator, the differential protection system is used for clearing the fault in the shortest possible time for minimizing the extent of damage. तो ये क्या है कि stator winding की protection के लिए generator में differential protection system को use किया जाता है fault को जल्दी से जल्दी clear करने के लिए for minimizing the extent of time कि ज़्यादा fault मतलब पूरे fault ज़्यादा part को डिफेक्ट ना करें तो मिनिमम टाइम में उस फॉल्ट को क्लियर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। मर्ज प्राइज सर्कुलेटिंग करंट सिस्टम ये कैसे काम करता है। इन दिस स्कीम ऑफ प्रोटेक्शन करंट एट द एंड्स ऑफ द प्रोटेक्टेड सेक्शंस कंपेयर। अभी हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रोटेक्शन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पढ़ा तो सेम वो यहाँ पे भी ऐसे ही काम करेगा कि जो करंट है प्रोटेक्टेड सेक्शन के बोथ एंड्स पे उसको कंपेयर किया जाता है। व्हेन द सिस्टम इज इन नॉर्मल कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज इक्वल ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर। जब सर्किट है जो मेरा वो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में है तो जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का बोथ प्रोटेक्टेड डिवाइसेस में ठीक है वो क्या होगा सेम होगा। On the occurrence of the fault, the short circuit current flows through the system and the magnitude of the current becomes different. जब लेकिन short circuit होगा कोई भी fault condition होगी तो जो magnitude है fault current का वो ज़्यादा हो जाएगा normal current के जिसकी वजह से दोनों currents में एक difference आ जाएगा। The difference of the current under fault condition is made to flow through the relay operating coil. अब जो वो difference आया है जो difference है दोनों करंट के बीच में वो मेरा फ्लो करेगा थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल। जब उस कंडीशन में मेरी ऑपरेटिंग कॉइल क्या करेंगी ट्रिप करेंगी एंड सर्किट ब्रेकर्स ओपन होंगे। द रिले देन क्लोजेज इट्स कॉन्टैक्ट रिले ट्रिप करेगी क्लोज हो जाएगी एंड मेक द सर्किट ब्रेकर टू ट्रिप एंड दस आइसोलेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सिस्टम। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड मर्ज प्राइज आइसोलेटिंग सिस्टम। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर अर्थ फॉल्ट्स एंड फॉल्ट बिटवीन फेजेस। सो सेम जैसे करंट पावर ट्रांसफॉर्मर्स मैंने यूज़ किए थे मेरे दो स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड करंट ट्रांसफॉर्मर्स के बीच में तो यहाँ पे मेरे दो करंट ट्रांसफॉर्मर है जिसको दोनों को मैंने स्टार में कनेक्ट किया है ठीक है और इनके बीच में मेरी जनरेटर है। सेम यहाँ पे फिर मैंने ऑपरेटिंग रिलेज यूज़ किए हैं। अब ये कैसे काम करता है कनेक्शन क्या है। द प्रोटेक्शन सिस्टम रिक्वायर्स टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स विच आर माउंटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्रोटेक्शन जोन। आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर क्या है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मेरे दो करंट ट्रांसफॉर्मर हैं इनमें सेम करंट कब फ्लो करेगा जब दोनों ट्रांसफॉर्मर मेरे आइडेंटिकल होंगे दोनों ट्रांसफॉर्मर की जो मेरी रेटिंग है वो सेम होगी ठीक है। सो द प्रोटेक्शन सिस्टम रिक्वायर्स टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स विच आर माउंटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्रोटेक्शन जोन। द सेकेंडरी टर्मिनल्स ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड इन स्टार। जो सेकेंडरी टर्मिनल्स है मेरे बोथ ट्रांसफॉर्मर्स के दे आर कनेक्टेड इन स्टार एंड देयर एंड टर्मिनल्स आर कनेक्टेड थ्रू द पायलट वायर। द रिले कॉइल्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा। जो रिले कॉइल्स है वो मैंने डेल्टा में कनेक्ट किए हैं। द न्यूट्रल ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर एंड द रिले आर कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल। अब जो करंट ट्रांसफॉर्मर का न्यूट्रल है और जो मेरी रिले का न्यूट्रल है उनको मैंने सेम टर्मिनल से कनेक्ट किया है। द रिले इज कनेक्टेड अक्रॉस इक्विपमेंटल पॉइंट्स ऑफ द थ्री पायलट वायर्स सो दैट द बर्डन ऑन ईच ट्रांसफॉर्मर इज सेम। अब जो कर रिले है उसको मैंने थ्री के थ्री पॉइंट्स के साथ में इक्वली कनेक्ट किया है मतलब थ्री फेजेस के साथ में मैंने थ्री रिलेज को यूज़ किया है। वो मैंने ऐसा क्यों किया है कि जब भी फॉल्ट अकर हो तो बर्डन किसी एक फेज पे ना पड़े वो इक्वल फेजेस पे इक्वल हो सेम फेजेस पे इक्वल हो। द इक्विपोटेंशियल पॉइंट ऑफ द पायलट वायर इज इट्स सेंटर सो द रिले इज लॉक्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द पायलट वायर्स। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम इट इज इसेंशियल टू रिलेट द रिले कॉल्स एडजेसेंट टू द करंट ट्रांसफॉर्मर नियर द मेन सर्किट
दिस कैन बी डन बाय इंसर्टिंग द बैलेंसिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द पायलट वायर टू मेक इक्विपोटेंशियल पॉइंट लोकेटेड नियर सर्किट ब्रेकर. अब ये कैसे काम करता है. कंसिडर द फॉल्ट अकर्स ऑन द आर फेज ऑफ द नेटवर्क बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन ब्रेकडाउन. हम कंसिडर कर रहे हैं कि मेरे आर फेज में फॉल्ट अकर हुआ है ड्यू टू द ब्रेकडाउन. बिकॉज ऑफ द फॉल्ट द करंट इन द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स बिकम अनइक्वल. जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा फॉल्ट है वो अनइक्वल हो जाएगा. सेकेंडरी वाइंडिंग में जो मेरा फॉल्ट है वो अनइक्वल हो जाएगा एज कम्पेयर टू द अदर ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के. द डिफरेंशियल करंट फ्लो थ्रू द रिले कॉइल. अब जो डिफरेंस होगा वो मेरा फ्लो करेगा थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल. दस द रिले बिकम्स ऑपरेटिव. जिसकी वजह से जो मेरी रिले है वो ऑपरेटिव हो जाएंगी एंड गिव्स द कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर ऑपरेशन. और वो सर्किट ब्रेकर को कमांड देंगे कि सर्किट ब्रेकर अपना ऑपरेशन करे. सर्किट ब्रेकर का क्या ऑपरेशन है कि वो हेल्दी पार्ट को फॉल्टी पार्ट से आइसोलेट करता है. इफ़ द फॉल्ट अकर्स बिटवीन एनी टू फेजेस. अगर मेरा फॉल्ट एक फेज में ना होके किसी दो फेजेस में होता है, सपोज वाई एंड बी में होता है, देन शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो थ्रू दीज फेसेस. अब जो मेरा शॉर्ट सर्किट करंट है वो इन दो फेजेस के थ्रू फ्लो करेगा. द फॉल्ट अनबैलेंस्ड द करंट फ्लोस थ्रू सर्किट ब्रेकर. ठीक है, अब दो फेजेस से डिफरेंट करंट आ रहा है और जो मेरा दूसरा सर्किट करंट ट्रांसफार्मर है, अब जब वो उसके साथ में इस फॉल्ट करंट को मेजर करेगा, कंपेयर करेगा, तो वो डिफरेंस आएगा उसमें, जिसकी वजह से जो मेरी ट्रिप कॉइल्स हैं, द डिफरेंशियल करंट फ्लोस थ्रू द रिले ऑपरेटिंग कॉइल एंड दस रिले ट्रिप्स देयर कॉन्टैक्ट. जिसकी वजह से जो मेरी रिले हैं वो ट्रिप कर जाएंगे और सर्किट ब्रेकर अपना ऑपरेशन करेगा. सो आई होप आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन डिवाइस, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड जनरेटर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम समझ में आया होगा. इन दोनों में ही हम जो स्कीम यूज़ करते हैं वो सेम है कि मैं जो मेरी डिवाइस है, जो मेरा इक्विपमेंट है, उसके बोथ साइड्स में मैं करंट ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ करती हूँ. ठीक है, और करंट ट्रांसफॉर्मर्स के जो दोनों की सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं. कनेक्टेड क्यों होती हैं, क्योंकि जो दोनों में करंट फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा. बिकॉज बोथ करंट ट्रांसफॉर्मर्स आर ऑफ सेम रेटिंग, दे बोथ आर आइडेंटिकल. अब अगर मेरा किसी भी ट्रांसफॉर्मर की साइड से फॉल्ट अकर होता है, ठीक है, तो फॉल्ट करंट क्या होता है कि फॉल्ट करंट की जो वैल्यू होती है वो मेरे रेटेड करंट से या नॉर्मल करंट से बहुत ज़्यादा हाई होती है. तो जब दोनों ट्रांसफॉर्मर्स के अक्रॉस जो करंट था वो सेम फ्लो कर रहा था, तो जो उनके अक्रॉस डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. लेकिन जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट अकर होगा तो फॉल्ट करंट की वैल्यू नॉर्मल करंट से ज़्यादा हो जाएगी, तो एक डिफरेंस फ्लो करेगा. मतलब नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेटिंग कॉइल के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन फॉल्टी पार्ट में, फॉल्ट सेक्शन में क्या होगा कि फॉल्ट करंट जब हाई हो जाएगा तो एक डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस दोनों करंट का मेरा फ्लो करेगा थ्रू ऑपरेटिंग कॉइल्स. जब वो डिफरेंस मेरा फ्लो करेगा ऑपरेटिंग कॉइल्स के थ्रू, तो मेरी ऑपरेटिंग कॉइल्स ट्रिप हो जाएंगी और वो कमांड देगी सर्किट ब्रेकर को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन क्या है कि वो हेल्दी पार्ट को फॉल्ट सेक्शन से आइसोलेट कर देगा और विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम मैं अपने ट्रांसफॉर्मर या जनरेटर को प्रोटेक्ट कर लूँगी. देन वी हैव मोटर प्रोटेक्शन स्कीम. द वेरियस टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिव रिलेज आर अवेलेबल फॉर प्रोटेक्टिंग द मोटर फ्रॉम द फॉल्ट्स. बहुत सारी प्रोटेक्टिव रिलेज है जिसको हम यूज़ करते हैं मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द फॉल्ट्स. These relays sense the abnormal operating condition and make the circuit breaker to trip. अब ये relays abnormal operating conditions को sense कर लेती हैं और circuit breakers को trip करा देती हैं. The motors provide protection against fault in windings and associated circuits. अब ये जो motor protection scheme है ये किसके against fault provide करवाती हैं कि अगर windings में कोई fault हो जाए या associated circuit में कोई fault हो तो ये protective relay उनके against प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं. एक्सेसिव ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशंस. अब फॉल्ट कंडीशन क्या हो सकते हैं कि एक्सेसिव ओवरलोड हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, अंडर वोल्टेज हो जाए, फेज अनबैलेंस या फिर सिंगल फेजिंग हो जाए, या फेज रिवर्सल एंड स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस. अब ये सब क्या होती हैं. सो मोटर प्रोटेक्शन कैसे काम करती है, आई होप आप लोगों को याद होगा जब हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, तो उसमें एक टॉपिक था स्टार्टिंग मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर.
थ्री फेस इंडक्शन मोटर मेरी पहले से सेल्फ स्टार्ट होती है, बट स्टिल हम उसमें को स्टार्टिंग मेथड यूज़ करते थे, वो हम उसके फॉल्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ करते थे और उसके करंट की वैल्यू को स्टार्टिंग इनर्शिया को हाई करने के लिए यूज़ करते थे। अब सबसे पहला उसके मेथड था डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में मैंने 3 डिवाइसेस यूज़ की थी अपने मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दे वर फ्यूजेस, अंडर वोल्टेज रिले एंड ओवरलोड करंट कॉइल। अब ये कैसे काम करती थी? फ्यूज़ मेरे क्या थे? फ्यूज़ मेरे मोटर को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करते थे। देन वी हैव अंडर वोल्टेज कॉइल, अंडर वोल्टेज रिले। सो अंडर वोल्टेज रिले कैसे काम करती थी कि जब मैं अपनी मोटर को ऑन करती थी, मेन सप्लाई से ऑन करती थी, अगर उसको सफिशिएंट वोल्टेज नहीं मिलती थी। अब सफिशिएंट वोल्टेज क्या है कि मान लो मेरी मोटर 220 वोल्ट पे काम कर रही है। अब 220 वोल्ट पे हम एक बैलेंस रख के चलते हैं कि वो 225 और 215 इस रेशो के बीच में, इस डिफरेंस के बीच में मोटर ऑपरेट कर जाएगी। अगर उसको मतलब 218 वोल्टेज मिल रही है या फिर 222 वोल्टेज मिल रही है, तो ये डिफरेंस के अंदर वो काम कर जाएगी। भले ही मेरी मोटर की रेटिंग 220 हो, बट वो 218 या फिर 222 तक भी काम कर जाएगी। बट अगर मेरी मोटर को 215 से कम वोल्टेज मिले, लाइक 213 वोल्टेज मिले या 200 वोल्टेज मिले, तो उस कंडीशन में मेरी जो मोटर है वो एनर्जाइज नहीं होगी। ठीक है, एनर्जाइज का मतलब क्या है कि जब उसको मोटर को 200 वोल्टेज मिलेगी, 200 वोल्टेज जब उस अंडर वोल्टेज कॉइल के थ्रू फ्लो करेगी, तो मेरी अंडर वोल्टेज कॉइल एनर्जाइज ही नहीं होगी। अंडर वोल्टेज कॉइल मेरी सिस्टम को अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करती है, अंडर वोल्टेज के ड्यूरिंग जो फॉल्ट अकर हो सकते हैं उससे प्रोटेक्ट करती है। अब वो कैसे काम करती है कि मेरे थ्री फेज के सिस्टम के जो मेरी थ्री फेज से सप्लाई आ रही थी, वो सबसे पहले मेरी उस अंडर वोल्टेज कॉइल के थ्रू फ्लो कर रही थी। जब अंडर वोल्टेज कॉइल एनर्जाइज हो जाती थी, तब वो मेरे आगे के सिस्टम को एनर्जाइज करती थी। बट अगर उस कॉइल को अंडर वोल्टेज मिलती है कि 220 वोल्ट की मेरी मोटर की रेटिंग है, बट उसको 200 वोल्टेज मिलती है, तो वो मेरी कॉइल एनर्जाइज ही नहीं होगी और वो मेरी मोटर को स्टार्ट ही नहीं होने देगी। सो वो मेरा प्रोटेक्शन था अगेंस्ट अंडर वोल्टेज के। उसके बाद में मैंने वहाँ पे फ्यूजेस यूज़ किए थे। फ्यूज़ क्या थे कि जब मैंने थ्री फेज सप्लाई दी, और थ्री फेज सप्लाई देने के बाद में वी हैव फ्यूजेस, तो फ्यूजेस क्या करते थे कि मेरी मोटर को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करते थे। अगर शॉर्ट सर्किट करंट उनके रिगार्डिंग उनके अक्रॉस फ्लो करेगा, तो वो फ्यूजेस ट्रिप हो जाएंगे और वो करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, वो शॉर्ट सर्किट करंट को वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, मतलब मेरे मोटर के बाकी पार्ट्स को उस पार्ट से वो आइसोलेट कर देंगे। देन वी हैव ओवर करंट कॉइल। ओवर करंट कॉइल क्या थी? ओ सी सी ओवर करंट कॉइल। सो ओ सी सी क्या करती थी कि मेरी मोटर स्टार्ट हो गई, उसको सफिशिएंट वोल्टेज मिल गई मेरी अंडर वोल्टेज कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है, उस पर फॉल्ट करंट भी नहीं है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन भी नहीं है, बट अगर एक पॉइंट पे आके करंट की वैल्यू रेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। रेटेड वैल्यू से करंट की वैल्यू कैसे ज़्यादा होगी कि मोटर स्टार्ट होने के बाद में जब मोटर अपनी वर्क कर रही है और उस ड्यूरेशन में कोई भी फॉल्ट अकर हो जाए, तो फॉल्ट अकर होगा तो जो उसमें करंट है वो फॉल्ट करंट फ्लो करेगा। अब फॉल्ट करंट की वैल्यू मेरी रेटेड वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो जब रेटेड वैल्यू से ज़्यादा करंट उन OCC कॉइल के थ्रू फॉइल फ्लो करेगा, OCC मेरी क्या थी? ओवर करंट कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा, तो ओवर करंट कॉइल मेरी ट्रिप हो जाएंगी और मेरे हेल्दी पार्ट को मेरे फॉल्ट सेक्शन से आइसोलेट कर देंगी। आई होप आप लोगों को ये 3 चीज़ें समझ में आई होंगी, फ्यूज, अंडर वोल्टेज कॉइल एंड ओवर करंट कॉइल। सो फ्यूज मेरे मोटर को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट कर रही थी, अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्ट कर रही थी, और ओवर करंट कॉइल फॉल्ट होने के बाद में जो फॉल्ट करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू रेटेड करंट से ज़्यादा होती है, लेकिन जो मेरी जैसे ही जो ओवर करंट है, करंट की वैल्यू मतलब जो फॉल्ट करंट है वो मेरा ओवर करंट कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा, तो वहाँ पे मेरी ओवर करंट कॉइल ट्रिप हो जाएंगी और सर्किट ब्रेकर को वो कमांड दे देंगी कि वो ओवर करंट हेल्दी पार्ट को फॉल्टी सेक्शन से आइसोलेट कर देगा।
अब इसकी प्रोटेक्शन क्या है, ओवर करंट प्रोटेक्शन, जैसे मैंने बताया ओवर करंट प्रोटेक्शन मेरी सेम, मैं ओवर करंट कॉइल को यूज़ करती हूँ, जैसे फॉल्ट अकर होगा और मेरे रेटेड करंट की वैल्यू से ज़्यादा फॉल्ट करंट की वैल्यू उस ओवर करंट कॉइल के थ्रू फ्लो करेगी तो ओवर करंट कॉइल ट्रिप हो जाएगी और फॉल्टी पार्ट को हेल्दी पार्ट से आइसोलेट कर देगी। देन स्टेटर ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, स्टेटर ओवर हीटिंग ऑफ मोटर क्या है, द ओवर हीटिंग ऑफ मोटर इज़ मेनली ड्यू टू कॉन्टीन्यूस ओवरलोडिंग। ओवर हीटिंग मेनली क्यों होती है, कॉन्टीन्यूस ओवरलोडिंग की वजह से। स्टॉल्ड रोटर्स और अनबैलेंस स्टेटर करंट, फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन द थ्री फेज मोटर शुड हैव एन ओवरलोड एलिमेंट इन ईच फेज। फॉर नॉन एसेंशियल सर्विसेज मोटर प्रोटेक्शन आइदर लॉन्ग टाइम ओवर करंट रिले प्रोटेक्शन और डायरेक्ट एक्टिंग ट्रिपिंग आर यूज टू डिसकनेक्ट अ मोटर फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ सप्लाई। ओवर हीटिंग मेरी मोटर में क्यों होती है, ओवर हीटिंग मेरी होती है ओवरलोडिंग की वजह से, और इसके अक्रॉस मेरी मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए आई यूज ओवरलोड एलिमेंट इन ईच फेज। देन वी हैव ओवर हीटिंग, द ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन इज मोर लाइकली टू अकर इन द वाउंड रोटर मोटर्स। अब ओवर हीटिंग, रोटर ओवर हीटिंग प्रॉब्लम्स जो मेरी मोस्टली अकर होती है वो मेरी वाउंड टाइप मोटर्स में होती है। द इंक्रीज इन रोटर करंट इज रिफ्लेक्टेड ऑन स्टेटर करंट एंड द स्टेटर करंट प्रोटेक्शन देयर बाय एक्ट। द सेटिंग ऑफ द स्टेटर ओवर करंट रिले जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.6 टाइम्स फुल लोड करंट। अभी ओवर हीटिंग की वजह से जो मेरा करंट फ्लो करता है वो मेरा 1/6 टाइम्स ज़्यादा होता है मेरे नॉर्मल करंट से। दिस इज इनफ टू डिटेक्ट द रोटर फॉल्ट, जिसकी वजह से मैं इजिली अपने रोटर फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकती हूँ। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि हम अंडर वोल्टेज कॉइल यूज़ करते हैं। अगर रेटेड वैल्यू से और उसका जो मैंने स्केल अपना मेंटेन किया है, रेटिंग मेरा जो स्टैंडर्ड है कि 220 है तो 215 से 225 तक वो काम करेगी, बट अगर उससे कम उसको वोल्टेज मिलेगी तो मेरी जो अंडर वोल्टेज कॉइल है वो मेरी एनर्जाइज ही नहीं होगी और वो मेरी मोटर को आगे स्टार्ट होने ही नहीं देगी। अनबैलेंस एंड सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन, द अनबैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई कॉजेज द नेगेटिव सीक्वेंस करंट टू फ्लो इन द मोटर विच मे कॉज ओवरहीटिंग ऑफ द स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग ऑफ द मोटर। अनबैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई क्या करेगी कि वो नेगेटिव सीक्वेंस करंट को फ्लो करवाएगी मेरी मोटर में, जिसकी वजह से ओवरहीटिंग हो जाएगी स्टेटर एंड रोटर की। जब भी अनबैलेंस कंडीशन होगी, कोई भी फॉल्ट अकर होगा मेरे सिस्टम में जिसकी वजह से नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा, नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा कि स्टेटर एंड रोटर ओवरहीट हो जाएंगे। द अनबैलेंस्ड कंडीशन प्रोवाइडेड टू अ मोटर शुड बी सच एज टू अवॉइड कंटिन्यूस अनबैलेंस्ड कंडीशन। रिवर्स फेज प्रोटेक्शन, द फेज रिवर्सल इज डेंजरस इन सम केसेस। फेज रिवर्सल सम केसेस में डेंजरस होता है, सच एज इन एलिवेटर्स, क्रेन्स, हॉइट्स एंड ट्रैम्स। इन केसेस द रिवर्स फेज प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड। द फेज रिवर्स रिवर्सल रिले इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ द डिस्क मोटर ड्राइवन बाय द मैग्नेटिक सिस्टम। अब रिवर्सल फेज प्रोटेक्शन क्या है, रिवर्सल फेज प्रोटेक्शन का मतलब है जैसे मैं एलिवेटर्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो एलिवेटर में अगर कोई भी फॉल्ट अकर होता है या फिर क्रेन्स में कोई भी फॉल्ट अकर होता है तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। सो उस कंडीशन में रिवर्सल फेज प्रोटेक्शन कैसे काम करती है कि वो डिवाइस को वहीं की वहीं पर स्टॉप कर देती है, वो रिवर्स। सो लास्ट है बस बार प्रोटेक्शन। बस बार प्रोटेक्शन क्या होती है कि जब मैंने नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट्स को मैं पैरेलली कनेक्ट कर देती हूँ तो मेरा एक बस बार बन जाती है, बस टाइप में बन जाती है, ठीक है। इस सेक्शन में जब भी मेरा कोई फॉल्ट अकर होता है तो वो नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट्स को एक साथ में डैमेज करता है। तो नंबर ऑफ मतलब जो होल मेरी सिस्टम की सप्लाई होती है वो मेरी इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से। सो दीज फॉल्ट्स, बस बार में जब भी कोई फॉल्ट अकर हो, सो दीज फॉल्ट्स नीड टू बी करेक्टेड एज फास्ट एज पॉसिबल। अब बस बार की फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है कि ऑल द हेल्दी फीडर्स को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है। बस बार में जितने मेरे फॉल्ट्स होते हैं दे मोस्टली आर सिंगल फेज इन नेचर, और जो फॉल्ट्स होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं। अब बस बार फॉल्ट मेरे क्यों अकर होते हैं, बस बार फॉल्ट अकर होने का रीज़न होता है कि जो मेरे इंसुलेटर सपोर्ट कर रहे हैं वो फेल हो जाए, सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन फेल हो जाए, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मेरे बस बार पे फॉल कर जाए। फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मेरा ट्री फॉलिंग है, काइट स्ट्रिंग है, स्नैक्स रैपिंग है ट्रांसमिशन लाइंस पे, बर्ड्स का कोई एक्सीडेंट हो जाए। सो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर मेरे ट्रांसमिशन लाइन पे फॉल कर जाता है
उसकी वजह से भी मेरे बस बार फॉल्ट्स अकर हो सकते हैं। बस बार फॉल्ट को रिमूव करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स मेरे बस बार में कनेक्टेड हैं, दे ऑल नीड टू बी डिसकनेक्टेड, दे ऑल नीड टू बी ओपन। अब बस बार को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग बैकअप प्रोटेक्शन एंड बाय यूजिंग डिफरेंशियल ओवरकरंट प्रोटेक्शन। सो आई होप आप लोगों को अपैरेटस प्रोटेक्शन स्कीम समझ में आई होंगी, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग